ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें एटमॉस कंटेंट को लूजलेस पास थ्रू कर सकता है, क्या ये कैपेबल है? ये देखिए दोस्तों क्या दिखा रहा है कि साउंड को ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक जो है वो लोजी फॉर्मेट में है, डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट में है, और दूसरा जो है वो ट्रू एचडी फॉर्मेट में है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा कि एक यूएसबी का कैपेबिलिटी कितना होता है और क्या। हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रेक्टिक रिव्यू में। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जो काफी लोगों के मन में आता है जब वो एक एटमोस साउंड बार खरीदने जाते हैं या खरीदने की सोचते हैं, या तो एक टीवी खरीदने के बारे में सोचते हैं जो कि ERC पोर्ट वाला टीवी होता है। तो वो क्वेश्चन है ये, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में एटमॉस कंटेंट को डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन एटमॉस कंटेंट अगर डाउनलोड करेंगे लूजलेस, तो क्या हमारी जो टीवी है, हमारा जो साउंड बार है, क्या वो उस चीज को डिकोड कर पाएगा? क्या यूएसबी पोर्ट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें एटमॉस कंटेंट को लूजलेस पास थ्रू कर सकता है, क्या ये कैपेबल है? ये चीज बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और बिलीव मी दोस्तों, मेरे मन में भी आया था जब मैं इसको खरीदने वाला था। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, मुझे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में या यूट्यूब में कहीं भी मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ये चीज मुझे तब पता चला है जब मैंने इसको खरीदा है, उसके बाद ही मुझे डिटेल में पता लगा है कि एक्चुअली यूएसबी कितना कैपेबल होता है डेटा ट्रांसफर करने में। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या एक यूएसबी पोर्ट ट्रू एचडी फॉर्मेट को, यानी लूजलेस एटमॉस को डिकोड कर सकता है, और अगर नहीं है तो कहां तक। मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि वो डिकोड कर सकता है या नहीं, अगर नहीं है तो कहां तक डिकोड कर सकता है, मतलब क्या वो डॉल्बी डिजिटल प्लस तक सीमित है या वो डॉल्बी डिजिटल तक ही डिकोड कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, और उसके साथ साथ जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं कि मैं आपको प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा कि एक यूएसबी का कैपेबिलिटी कितना होता है और क्या क्या कंटेंट आप उसके थ्रू डिकोड कर सकते हैं। तो प्लीज जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, नॉर्मली जब हम ऑनलाइन किसी कंटेंट को डाउनलोड करते हैं तो नॉर्मली हम उसे हार्ड ड्राइव में रखते हैं या तो हम पेन ड्राइव में रखते हैं ताकि हम उसको कहीं ले जा सके और किसी चीज के साथ उसको लगा के उसको प्ले कर सके। तो हमारे पास नॉर्मली यही सब चीजें होती हैं किसी चीज को, कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए और प्ले करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मुझे पहले ये पता नहीं था कि एक्चुअली में अगर लूजलेस कंटेंट हम पेन ड्राइव में डालेंगे या हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डालेंगे, तो क्या उसको टीवी में लगाने से या साउंड बार के साथ कनेक्ट करने से, यूएसबी के थ्रू अगर कनेक्ट करेंगे, तो क्या वो लूजलेस कंटेंट को प्ले कर पाएगा? क्या हम लूजलेस एटमॉस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में था, तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च किए एटमॉस साउंड बार खरीदने से पहले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है दोस्तों कि अगर पेन ड्राइव के थ्रू या हार्ड ड्राइव के थ्रू हम उसको कनेक्ट करके प्ले नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कैसे। तो इसलिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, मुझे ऑनलाइन कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठोस सबूत नहीं मिला कि यूएसबी का कैपेबिलिटी कहां तक जाता है। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसको खरीद लिया है और मुझे, मैंने लगा के इसको एक्सपीरियंस कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि कहां तक इसका कैपेबिलिटी है। और वो है ये ट्रू एचडी फॉर्मेट जो होता है, लूजलेस कंटेंट जो होता है, इसको यूएसबी प्ले नहीं कर सकता दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली हाँ, नहीं कर सकता। किसी भी लूजलेस कंटेंट को अगर आप यूएसबी के थ्रू प्ले करना चाहेंगे, पेन ड्राइव में डालेंगे या हार्ड डिस्क में डालेंगे, मेरे वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने, आपने जैसे कहा हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया, लेकिन जब हम टीवी में कनेक्ट कर रहे हैं, साउंड बार में कनेक्ट कर रहे हैं, मेरा तो एटमॉस साउंड बार है, सब कुछ ठीक है, मेरे टीवी में 2.1 पोर्ट अवेलेबल है, तो जब मैं उसमें कनेक्ट कर रहा हूं तो क्यों नहीं चल रहा है? इसीलिए नहीं चल रहा है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि आपने यूएसबी पोर्ट में वो चीज कनेक्ट किया है और यूएसबी पोर्ट ट्रू एचडी फॉर्मेट का जो साउंड होता है उसको डिकोड नहीं कर सकता। हाँ, आपके टीवी में 2.1 पोर्ट है, आपका जो साउंड बार है वो एटमॉस साउंड बार है, उसमें भी 2.1 पोर्ट है, लेकिन वो HDMI पोर्ट है और आप कनेक्ट जो कर रहे हैं वो USB पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उसको डिकोड करके नहीं दे पाएगा। तो अब सवाल ये
आता है कि अगर वो ट्रू एच डी को डिकोड नहीं कर पाता है तो कहां तक उसकी कैपेबिलिटी है, कहां तक वो डिकोड कर पाएगा। तो इसका आंसर ये है कि ये एटमोस को डिकोड करता है। मैं आपको बता देता हूं, ये एटमोस को ऑफकोर्स डिकोड कर पाता है, लेकिन सेम वही लूजी फॉर्मेट में, मतलब डॉल्बी डिजिटल प्लस। डॉल्बी डिजिटल प्लस तक आप इसमें डिकोड कर सकते हैं, लेकिन डॉल्बी डिजिटल प्लस से जब वो ट्रू एचडी में चला जाएगा तो उतना ज्यादा डेटा यूएसबी थ्रू पास नहीं हो सकता। तो आप डीटी प्लस में जो कंटेंट डाउनलोड अगर ऑनलाइन करते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो वहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो आप यूएसबी के थ्रू चला सकते हैं, अगर आपके पास एक कैपेबल टीवी है, एक साउंड बार है, एटमोस कैपेबल साउंड बार है, तो उसमें आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रू एच डी फॉर्मेट में कंटेंट को डाउनलोड किया है तो वो आप यूएसबी के थ्रू चला नहीं सकते। मैं अभी इस चीज को आपको करके दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी कुछ लूजलेस कंटेंट और सेम कंटेंट लूजिक फॉर्मेट में भी डाउनलोड किया हुआ है मेरे हार्ड डिस्क में। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हार्ड डिस्क, मेरा जो दूसरा हार्ड डिस्क है, मैंने टीवी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसमें मैंने सेम ट्रेलर एक लूजी फॉर्मेट में और एक लूजलेस फॉर्मेट में, ट्रू एच डी फॉर्मेट में डाउनलोड किया हुआ है। साइड बाय साइड मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि जो लूजलेस फॉर्मेट है वो चलेगा तो सही, लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं आएगा, और जो लूजी है डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट में है उसमें बराबर साउंड आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरे टीवी पे। यहाँ पे मैंने अपना हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट किया हुआ है, और इसमें मैंने अपना वो लोकेशन ओपन कर लिया है जहाँ पे मैंने वो सारे कंटेंट डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो दो दो बार डाउनलोड किया हुआ है मैंने, क्योंकि एक जो है वो लूजी फॉर्मेट में है, डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट में है, और दूसरा जो है वो ट्रू एचडी फॉर्मेट में है। तो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, लूजलेस भी चला के दिखाऊंगा और लूजी भी चला के दिखाऊंगा। ये जिसमें मैंने कर्सर रखा है अभी, ये लूजलेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लूजलेस। तो ये ट्रू एचडी फॉर्मेट में है, और यहाँ पे ये पहला वाला ये डॉल्बी डिजिटल प्लस में है, यहाँ पे कोई लूजलेस लिखा हुआ नहीं है। तो मैं चला के दिखा दूंगा, पहले मैं लूजलेस वाला चलाता हूं। ये देखिए दोस्तों क्या दिखा रहा है कि साउंड को ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन कोई साउंड नहीं है, सिर्फ वीडियो आ रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। अभी मैं सेम वीडियो लूजी फॉर्मेट में चलाऊंगा, आप देख सकते हैं अभी साउंड आ रहा है। एक और वीडियो मैं आपको चला के दिखा देता हूं, ये वाला, ये देखिए लूजलेस है, ये वाला मैं पहले चलाता हूं। ये देखिए वीडियो चल रहा है लेकिन कोई साउंड इसमें नहीं है। अभी मैं इसका जो डॉल्बी डिजिटल प्लस वाला फॉर्मेट है, ये लूजी, ये चलाता हूं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।